देखिए मोहन भागवत जी ने जो कहा है, आज हमें समझना चाहिए कि मोहन भागवत जी ने कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर उतारने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि भाई जो जाति व्यवस्था बनाई वो ब्राह्मणों ने बनाई, तो जाति का ऊंच नीच अगर वो ब्राह्मणों के ऊपर छोड़ रहे हैं, तो अगर इतने इतने लंबे समय उनकी सरकार थी इसको बदलने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किया। जिस तरह से रामचंद्र मानस के विवाद पे जिन लोगों ने अपनी बात रखी उनसे जवाब मांगा, आप लोगों को हिम्मत दिखानी चाहिए कि आरएसएस के मुखिया से भी आप जवाब मांगे। ब्राह्मण जाति को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है। अगर ये सत्य है तो फिर ये बुरा है कि जिन लोगों ने फिर जाति बनाई उन्होंने अपने आप को ऊपर रखा और बाकी लोगों को नीचे रखा, तो ये अपमान की शुरुआत जहाँ से उसका खात्मा होना चाहिए। इंसान इंसान होता है। देखिए मोहन भागवत जी ने जो कहा है, आज हमें समझना चाहिए कि मोहन भागवत जी ने कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर उतारने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि भाई जो जाति व्यवस्था बनाई वो ब्राह्मणों ने बनाई, तो जाति का ऊंच नीच अगर वो ब्राह्मणों के ऊपर छोड़ रहे हैं, तो अगर इतने इतने लंबे समय उनकी सरकार थी इसको बदलने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किया। अब ये इसके लिए मोहन भागवत जी से आपको जवाब मांगना चाहिए। जिस तरह से रामचरित मानस के विवाद पे जिन लोगों ने अपनी बात रखी उनसे जवाब मांगा, आप लोगों को हिम्मत दिखानी चाहिए कि आरएसएस के मुखिया से भी आप जवाब मांगे। ब्राह्मण जाति को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया है। हम तो लंबे समय से मानते हैं कि जात हम लोग आप लोगों के माध्यम से मांगेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये सत्य है तो फिर ये बुरा है कि जिन लोगों ने फिर जाति बनाई उन्होंने अपने आप को ऊपर रखा और बाकी लोगों को नीचे रखा, तो ये अपमान की शुरुआत जहाँ से उसका खात्मा होना चाहिए। इंसान इंसान होता है। क्या मोहन भागवत दलितों का वोट हासिल करना चाहते हैं 2024 में, कुछ ऐसा है क्या? मोहन भागवत जी, अब आप स्पष्ट मुद्दे पे आ रहे हैं कि मोहन भागवत जी और बीजेपी एक ही है, वो किनके लिए काम कर रहे हैं, वो किनके लिए वोट बटोरना चाहते हैं, ये आप और मैं जानते हैं। आज दलित पिछड़े वर्ग में चेतना जागृत हुई है, उनकी तरक्की संविधान में जो अवसर मिले उनसे हुई है, इसलिए आज वो अपने बुनियादी टॉपिक पर खड़ा होना चाहते हैं और वो है उनके अधिकार का मामला, स्वाभिमान सम्मान का मामला। तो एक दूसरे पे के पाले में गेंद फेंकने से अच्छा मोहन भागवत जी कहते हैं कि हम इस देश में जाति व्यवस्था खत्म करने की शुरुआत कर रहे हैं। मतलब पंडितों को उन्होंने टारगेट कर दिया है। आप पंडित समाज इस बारे में मोहन भागवत जी से बात करें, मुझे तो इस बात का भी डर है कि कहीं कल जो आज एक लाइन खींचे सुधरों की, कल ऐसा ना भगवान मोहन भागवत जी भी कहने लग जाए कि मैं भी सुधरूं। तो मेरा कहना आपसे ये है कि आज हमें जाति व्यवस्था खत्म करने के बारे में बात करनी चाहिए थी, उस पर बीजेपी की सरकार जिनकी सरकार है वो कुछ नहीं कहती। ताड़ना क्या है तो शायद मैं अपनी जो है दिलचस्पी आपसे जाहिर कर पाऊँ। आप ताड़ना को बुद्धिजीवियों के हिसाब से किस तरह देखते हैं? अगर नीता प्रेस की बात करें, अरे तो जो ताड़ना शब्द आपसे हम हमारे दृष्टिकोण में आपका जवाब चाहता हूँ, आप ताड़ना शब्द का क्या व्याख्या की आपने? नहीं, काफी दिनों से मेरे हिसाब से ताड़ना जो ताड़ना खींचना पीटना एक ही जैसा होता है, इसमें कोई बाहरी वो नहीं है। आज कुछ साथी कह रहे हैं कि ताड़ने का मतलब शिक्षा देने से है, तो अगर कोई हमारे पशुओं को भी शिक्षा देना चाहता है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। अगर उनके लिए कोई विद्यालय खुल गया है तो वो उस विद्यालयों में मैं अपने पशुओं को भेजूँ पढ़ लिख के, वो भी डॉक्टर इंजीनियर आईएएस बन जाए, कुछ तो व्यवस्था उनके लिए की गई होगी उस समय के धार्मिक ग्रंथों में।